बात बनती है क्या ऐसे कि ट्रेन में बिठा दिया, टिकट वापस लेके हैप्पी जर्नी। सेहत का ख्याल रखना, खेती नहीं करना, दुनिया का सबसे बड़ा धंधा है ये, क्योंकि हर जीव को भोजन चाहिए। इंसानों की छोड़ो, सारे कीड़े मकोड़े सबको चाहिए भोजन, धरती से ही आएगा, उगाना कोई नहीं चाहता। मुझे एक्सप्रेशन जैसा लगता है, मरना सबको है, मरना कोई नहीं चाहता, खाना सबको है, उगाना कोई नहीं चाहता। 2500 किसान एक दिन में खेती छोड़ रहे हैं भारत में, ये भारत की बात है खाली, भोजन पूरी दुनिया में लोग करते हैं, और पढ़े लिखे लोग नहीं करते, इसीलिए किसान मर जाते हैं। 4-5 दिन पहले एक बिल पोस्ट किया था फेसबुक पर किसी ने, 2000 किलो अनार उगाया किसान ने, शहर गया बेचने के लिए, और वापस लेके कितना रुपया पता है? 3.80 रुपये। 2000 किलो अनार अगर वो रोज खाता भी ना, तो 2-3 महीने तक अच्छे से भर पेट खाता, खून बनता अच्छा उसका। 150 रुपये से कम में सड़ा हुआ अनार नहीं मिलता जी, किलो। 2000 किलो कितने का हुआ वो? गेट योर मैथमेटिक्स राइट। 3.80 रुपये लेके वो जहर की पुड़िया नहीं खरीद लेगा क्या? और हम जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बीच बीच में अंग्रेजी घुसेड़ देते हैं हिंदी में, जिन्होंने अमेरिका देखी है, गूगल गुरु के शिष्य हैं, मल्टीलिंगुअल हैं, मार्केटिंग में एमबीए करा, कहीं का कुछ भी कुछ बेच देंगे, वो नौकरी करने में बिजी है, वो खेती नहीं करते। हेल्पिंग समवन एल्स हैविंग ए बिजनेस वी कॉल आवरसेल्फ सेटल्ड। पैसे कोई और कमाता है ना, नींद खाली मेरी खराब होती है, और घर में लोग समझते हैं बेटे की नौकरी है, जापान में रहता है, इंग्लैंड में रहता है, बेंगलोर में रहता है, पूछना उसको, मंडे को घर जाना चाहता है, ऑफिस जाना चाहता है, हाँ कि ना? और दुनिया का सबसे कठिन काम है जी नौकरी करना, ढूंढना और उसमें सर्वाइव करना, जो कर रहे हैं उनको पता होगा, हाँ कि ना? वो कर लेते हैं हम, और खेती का नाम सुनते हमको लगता है सुसाइड है, पेस्टिसाइड है, गरीबी है, भूखमरी, 1000 तरह के विशेषण आते हैं दिमाग में, तो खाना छोड़ दो ना। खेती सच में टफ काम है, एंड फॉर दैट मैटर नथिंग इज इजी ऑल्सो इन दिस वर्ल्ड, इन दिस लाइफ। स्टॉप ईटिंग देन, नहीं होगा। खाना बंद कैसे कर सकते हैं? उगाना बंद कर दिया हमने, हमको लगता है मॉल से भोजन आ जाएगा जी, ये मॉल नहीं तो अगले मॉल में मिल जाएगा ऑर्गेनिक, है ना? मुझे लगता है ढूंढने से ऑर्गेनिक नहीं मिलता, उगाने से मिलता है। प्याज के नाम पर तरह तरह मचा रहे हैं, अनसीजनली, अभी हार्वेस्ट नहीं है प्याज का, महंगी क्यों नहीं होगी? एक प्याज उगा के तो देखो, पता चलेगा एक प्याज उगाने में कितना लगता है ना? हम ऐसा नहीं करते, 3 बार खाते हैं, प्लास्टिक में बांधते हैं, फेंकते हैं उसको, ऐसे जैसे चांद पे चला गया। वो फर्मेंट होता है, मीथेन बनता है, उससे कैंसर फैलता है, हमको लगता है मैं अच्छा आदमी हूं। झाड़ू देना तो मोदी का काम है, स्वच्छ भारत अभियान चलाया। इतने निकम्मेपन की तरह हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, माफ कीजिएगा मैं थोड़ा हार्ड बोलता हूँ, लेकिन सत्य यही है। 5000 टन खाली इस शहर से निकलता है एक दिन में किचन का वेस्ट। बेंगलोर बहुत छोटा शहर है बाकी मेट्रोज के कंपेरिजन, आओ दिल वो दिल्ली से कंपेयर करें तो काफी छोटा है। 5000 टन एक दिन का निकलता है, 1.6 मिलियन टन इन ए डे इन दिस कंट्री। आपको अगर बोल दे कि ये कचरे का एक दिन थोड़ा कर लो, जिसको हम भगवान मान बैठे ना, वो टेक्नोलॉजी एंड साइंस दे आर फेलियर, कंप्लीट फेलियर व्हेन इट कम्स टू गार्बेज मैनेजमेंट। कुछ नहीं कर सकते वो, सरकार को दोष देने से कचरा नहीं कम हो जाता, सेग्रीगेशन करने से कचरा कम नहीं होता, कम होगा क्या बताइए? सेग्रीगेट करने से कचरा नहीं कम होता, ये मुझे बेवकूफी जैसा काम लगता है। सेग्रीगेट करो और उसी डे की ट्रक में डाल के मंडूर में जाकर फेंक देते हैं। आओ दिल वो सर, बेंगलोर इन दिन वो मंडूर लेता ना, विशाखो दो एक बाजू में गांव है पूरे, वहां 14-15 लाख मेट्रिक टन सर रहा है कचरा, एक श्वास नहीं ले सकते। वो सरकार का दोष नहीं है, सारे किचन का दोष है। कैंसर फैलाते हैं हम, हमको लगता है हम अच्छे आदमी हैं। 55% वेस्ट से हम गोबर बना सकते हैं और उससे टमाटर घर में उगा सकते हैं, जो दीदी बोल रही थी परमाकल्चर की बात, हमने वही किया। पत्थरों पे बिना खेत खुदाई किए हुए उगा दिया, बिना बोरवेल डाले हुए उगा दिया। जो भी कर्नाटक में उग सकता है सब्जी और फल सारे आ रहे हैं, अच्छे से आ रहे हैं, अच्छे क्वालिटी के आ रहे हैं। एग्रीकल्चर इज नॉट ए रॉकेट साइंस। अगर आपको खाना है तो उगाना पड़ेगा, आपको नहीं तो बच्चे को जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि 2012 से गेहूं का उत्पादन पूरी दुनिया में कम होना शुरू हो गया, और वो बोलते हैं नो मैटर व्हाट इट्स नॉट गोइंग टू कम अप, अब बढ़ने वाला नहीं है, जनसंख्या रुकेगी नहीं, कल को चावल कम हो जाएगा परसों। आई एम नॉट हियर टू डिप्रेस यू, लेकिन यथार्थ यही है, क्योंकि उगाना कोई नहीं चाहता। खेती के बारे में बड़ी बड़ी बातें लोग करते, किसानों को हेल्प करो, पैसे दे दो, ये वो करो, सब कुछ। अरे वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो शहर जाके किसी अपने क्या कलेक्टर ऑफिस में जाके वो बात ही नहीं कर सकता कि सरकार ने कितनी सब्सिडी दी, बात कर सकता है क्या? वो शरीर से अस्वस्थ है और शिक्षा से अस्वस्थ है, वो भी वो अशिक्षित आदमी है।